अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन MSI इंटर कॉलेज के सभाकक्ष में किया गया, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे द्वारा विभाग में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हज समिति के सदस्य द्वारा आश्वस्त किया गया कि अल्पसंख्यकों की जो भी समस्याएं हों उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। समारोह में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा जो समस्याएं बताई गई उनके समाधान हेतु यथा आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए आश्वस्त किया गया। यह भी आश्वस्त किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय की जो समस्याएं आएंगी उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र शेख भदौरिया, स्कूल के प्रधानाचार्य जफर अहमद खां, सदर अंजुमन इस्लामिया मुफ्ती अजहर शमसी, सरदार बलवीर सिंह, डॉक्टर DR लाल, आदिल अमीन शहीद, अमित रॉबर्ट सहित विभिन्न मदरसों के प्रधानाचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने कहा, चेयरमैन, हम चाहेंगे कि जो विभिन्न माइनॉरिटी कमेटी के मुफ्ती अजहर शमसी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो मुख्तसर में अपनी बातों को यहाँ दर्ज कर रखें। हम हर साल की बात है, 18 तारीख को ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, अगर उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अगर ये विभाग, ये अल्पसंख्यक विभाग कामयाब ना हो तो बेकार है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनका, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे जी का, कि इन्होंने समय समय पे जो भी विभाग की योजनाएं है उससे हम लोगों को अवगत कराया। इन्होंने पिछले साल जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में तमाम जो सरकार की योजनाएं थी इन्होंने समय समय पर देने का काम करना किया इन्होंने, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम है, सिख है, जैन है, सिख पारसी है, सभी समुदाय है, तो जिस तरीके से अल्पसंख्यक अधिकार दिवस एक ही स्थल पे ना मनाया जाए, सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को मौका मिले कि ये अधिकार दिवस जो है, जैसे इस बार जो है यहाँ मनाया गया, अगली बार कहीं क्रिश्चियन समुदाय के बीच मनाया जाए, जैन समुदाय के बीच मनाया जाए, ताकि वो लोग भी जागरूक हो और हम लोगों से मिल सके, एकजुट हो सके और सरकार की योजनाओं को पा सके। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा आने वाले 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्रिसमस का पर्व है, और क्रिसमस के पर्व पर मैं चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इस बात को नोट करें कि हमारे गोरखपुर में जो क्रिश्चियन समुदाय है, चर्च है, लगभग 20 चर्च शहर में है और मोहल्ले हैं, बशारतपुर है, धर्मपुर है, मोदी पोखरा है, खरैया है, स्टनपुर है, तमाम जगह है जहाँ अभी तक साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई है। और नगर निगम में हम लोगों ने इस बात को कहा भी है लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं मंच के इस माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले पर्व में जब हमारा त्यौहार मनाया जाता है तो चर्च के साफ सफाई, मोहल्लों की साफ सफाई के लिए, पथ प्रकाश के लिए जो है जो भी सुविधाएं नगर निगम द्वारा जारी हो सकती है उसको आप प्रयास करके कराने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी MSI इंटर कॉलेज में जनपद गोरखपुर के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं एवं शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकगण के साथ इससे एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत चर्चा की गई तथा लोगों को इस विषय में आश्वस्त किया गया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया गया और अन्य जो समस्याएं हैं जो शासन स्तर से उसका निराकरण होना है उसकी शासन को अवगत कराने की कार्रवाई की। सर कुछ नई योजनाएं भी आई हैं इसमें? अभी जो पिछली योजनाएं चल रही थी उसी को एलोबरेट किया जा रहा है। अब जैसे अन्य जो स्कीमें चल रही हैं वो सभी वर्गों के लिए चल रही है, उसके अलावा जैसे सभी वर्गों के लिए चल रही ओल्ड एज पेंशन वो अल्पसंख्यक के साथ सामान्य वर्ग सभी के लोग के लिए चल रही है। अब उसका जैसे धनराशि पहले 500 रुपये प्रतिमंथ था, अब 1000 रुपये प्रतिमंथ आगे से हो गया है, तो वो सारी स्कीमें अल्पसंख्यकों के लिए ही चल रही हैं। उसके अलावा जो विशेष योजनाएं हैं जैसे छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए ऋण योजना, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई।